चेहरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य तुझ पर आ रही है। King of Kings and the Lord of Lords. We honor you, Lord. For this is the time when true worshipers worship Him. These are the days when my Father's ways will be known to men. This is the hour when the Spirit as we worship in spirit and in truth. Listen again, saints of God. This is the word of the Lord. This is the time all over the earth when the true worshipers are going to stand and worship. These are the days when my Father's ways will be known to men. This is the hour when the Spirit's power will move again. As we worship, that's the key, in spirit and
Would you join me singing, Lord, we worship you. Lord, we worship you in spirit and in truth. Sing it again. Lord, we worship you in spirit and in truth. If you listen closely, you can hear the angels singing, holy, holy, holy is your name, worthy, worthy, let all the earth proclaim. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. वे भाई बहन जो मेरे कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, आप पर भी एक अभिषेक आने वाला है. आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही आश्चर्यक्रम पाने में सहायता होगी. आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसके 8वें पद से. यहां एक मिरेकल का वर्णन है. कितने लोग मिरेकल देखना चाहते हैं आज? हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें. 8वें पद से, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, निर्बल था, दुर्बल था, चल नहीं सकता था, असहाय था, वो जन्म ही से लंगड़ा था, क्रिपल्ड था और कभी ना चला था, कभी नहीं चला था, कभी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं चखा था. आज की शाम यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने परमेश्वर की सामर्थ को कभी नहीं चखा तो आज आप चखेंगे. ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दें. वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था. पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है. दिस इज माय मैसेज. पौलुस ने देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और उचित शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो. तब वो उछलकर चलने फिरने लगा. पौलुस को कैसे मालूम हुआ कि इसके अंदर विश्वास है? ये सेवक कैसे जान गया कि ये अब चंगा होने जा रहा है? जब झोले के मारे हुए को कफरनहूम में लाया गया और छत को खोल करके उन चारों मित्रों ने अपने दोस्त को खाट को नीचे किया यीशु के पास, यीशु को मालूम हो गया कि आज ये झोले का मारा हुआ चंगा होने जा रहा है. जब सुंदर फाटक पर पतरस गया, मैं उसे खोलूंगा आपके लिए, तो यहां लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, जब उसने पतरस और यहुन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी. पतरस ने यहुन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख. आई कॉन्ट्रैक्शन पर मैं आज बात कर रहा हूं. फेथ कॉन्ट्रैक्शन, विश्वास कैसे उमड़ता है, आश्चर्यक्रम कैसे शुरू होता है. हमारी ओर देख. अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, ताकने लगा. यह विश्वास जब आपके अंदर आता है
जब आप टकटकी लगा करके देखते हैं, जब आप ताकने लगते हैं, जब आपके अंदर एक विश्वास जगता है, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। हालेलुया। मैं कैसे जान जाता हूं कि ये व्यक्ति, ये बहन, ये भाई चंगा होने जा रहा है? मैं जब आपकी फेस की ओर देखता हूं, आपने सुना होगा मेरे मैसेज में, या वे लोग जो मेरे लाइव मीटिंग में रहते हैं, मैं बोलता हूं मेरी आंख में देखो भाई, मेरी आंख में कोई जादू नहीं है, मैं कोई जादू नहीं चलाता। जब आप मेरी आंख में देखते हैं तो मेरा विश्वास आपके विश्वास से जुड़ जाता है। जब मैं देखता हूं कि आपके चेहरे पर आंसू हैं, आपके चेहरे को देखकर बुद्धि के वरदान से मैं जान जाता हूं। कुछ दिनों पहले एक कैंसर पेशेंट आया मेरे पास और बोला, सर मुझे कैंसर हो गया है, क्या मुझे चंगाई मिलेगी? मैंने कहा मेरी तरफ देखो। तो वो कुछ उलझा उलझा सा था, फिर मैंने उससे बार बार कहा मेरी तरफ देखो, उत्साहित हो जाओ, ये भूल जाओ कि तुम्हें कैंसर हुआ है। बस आज एक बात याद रखो कि कैंसर को चंगा करने वाला तुम्हें छूने जा रहा है। हालेलुया। आज अभी कुछ मिरेकल्स होंगे। ये लुस्त्रा का भाई जो पौलुस की मीटिंग में आया, वो कुछ कह नहीं रहा है कि पौलुस मुझे चंगा कर, पौलुस मुझे छू ले, मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है वो। लेकिन आंखों के द्वारा वो सब कुछ कह रहा है, अपने चेहरे के द्वारा वो सब कुछ कह रहा है। जो बात आपके दिल में है वो आपके चेहरे पर जरूर आएगी। हालेलुया। यदि आपने आज शाम सोच लिया है कि मेरा छुटकारा होगा, तो 100% कहना चाहता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में कि आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। वो कैंसर पेशेंट जो मेरे पास आया था, कुछ ही मिनटों में चंगा हो गया। कैसे? विश्वास के कारण। विश्वास में एक मैग्नेटिक पावर है। इसीलिए जीसस ने कहा, जब तुम पहाड़ से कहोगे कि जाकर के समुद्र में गिर जाए, तो वो गिर जाएगा। विश्वास। आज आपको याद दिलाना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये लुस्त्रा का भाई जो चल नहीं सकता था, वो उछलने लगा। बोलिए उछलने लगा। आपको उछलने का मतलब समझाऊं? बहुत सारे लोग उछलने का मतलब नहीं जानते। उछलने का मतलब यही नहीं होता कि पैरों से केवल उछलना। दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बगल वाले से हाथ मिलाए और बोले, मेरा कटोरा भी उमड़ रहा है। हालेलुया। यदि उमड़ नहीं भी रहा है तो बोलो भैया कि उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सब लोग बोलिए। जो मेरे दर्शक हैं वो भी घर में बोले, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। जब दिल उमड़ने लगता है, विश्वास उमड़ने लगता है, जब आंसू उमड़ने लगते हैं, आश्चर्य कर्म पल भर में होता है। हालेलुया। ये व्यक्ति शायद ये सोच कर नहीं आया होगा कि आज मैं चलूंगा, लेकिन यीशु की सामर्थ ने पौलुस को बता दिया, देख रहा है इसे। कई बार मैं मीटिंगों में जाता हूं, यहां भी कल मैंने किया, लोगों के नाम पुकारता हूं, लोगों को इशारे से बुलाता हूं, प्रभु की सामर्थ्य उन पर आ जाती है। ये सब विश्वास की बातें हैं। और वो टकटकी लगा करके देख रहा था,
यदि आपके पास टकटकी है, आपके पास आंसू हैं, आपके पास विश्वास है, तो आज वे परिस्थितियां जो जीवन में कभी नहीं हिली हैं, वो आज हिलने जा रही हैं, बल्कि बदलने जा रही हैं। ताली बजाएं परमेश्वर को धन्यवाद दें। You will never be the same। वो झोला का मारा हुआ, आपको मालूम अंग्रेजी में कहूंगा, वो चारों जो खाट पर लेकर के आए थे उसको, उन्होंने टॉप पर देखा। हेलो, मेरी ओर देखें। उन्होंने कोई रास्ता नहीं देखा, देखा ये तो यीशु के पास जाना ही मुश्किल है। लेकिन भाई, कोई चीज मुश्किल नहीं है। यदि तुम टॉप पर देखोगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। हालेलुया। आप समझ गए मैंने क्या कहा? सी एट द टॉप। अरे कलवरी पर देखो, यीशु के उस हाथ को देखो, यीशु के उस घाव को देखो। और जब उन्होंने टॉप पर देखा तो क्या देखा? छत है, कोई बात नहीं, छत को भी उधेड़ देंगे। जब आपको मिरेकल मिलने वाला होता है तो आप सारी बाधाओं को पार करके यीशु के पास आ जाते हैं। हालेलुया। और आज अभी थोड़ी देर के लिए यही होने जा रहा है। ये लुस्त्रा में मिरेकल हो गया, ये भाई चलने लगा, उछलने लगा, वो सुंदर फाटक पर बैठा हुआ, सामर्थ आ रही है मेरे ऊपर। पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, बस यीशु नाम है, यीशु नाम का मस्सा मेरे ऊपर है। और ये मस्सा और ये अभिषेक मैं तुझ पर रिलीज कर रहा हूं। आज यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूं, वे भाई बहन जो बीमार हैं, जो सीरियसली बीमार हैं, अभी मैं थोड़ी देर में प्रार्थना करूंगा। आइए सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। आज एक आग उतरने वाली है, चिन्ह चमत्कारों से ये हॉल भर जाएगा, जीवन बहेगा, सामर्थ बहेगी, अभिषेक बहेगा। सब लोग लीन हो जाएं, मेरी ओर ना देखें, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ जीसस, और उसी जीसस को, उसी अभिषेक को मैं आपको देने आया हूं। हमारे वे भाई बहन जो शुभ संदेश के द्वारा मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे भी आज इंपार्टेशन पाएंगे, एक अभिषेक। वे भाई बहन जो फेसबुक के द्वारा इस समय जुड़ रहे हैं, वे भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग नीचे आने वाला है, अपने हाथों को उठाएं, अपने वर्शिप करें। थैंक यू जीसस, जीसस जीसस करें, जीसस जीसस, अपने तरीके से अपनी आवाजों को ऊंचा करें। वो आ रहा है। एलिया ने होम बलि चढ़ाया और आग उतर आई। आज के होम बलि आप हैं, आज होम बलि आप हैं। अब कोई होम बलि का इंतजार नहीं करेगा। यू आर ऑन द ऑल्टर। पीछे तक, एवरीबॉडी वर्शिपिंग गॉड, द लिविंग गॉड। शुभ संदेश के जितने दर्शक मेरे कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, आप भी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के लहू को पुकारे। थैंक यू होली स्पिरिट। Touched me.
चोलिया कुछ हुआ है मुझे, यीशु ने मुझे है छू लिया, यीशु ने छू लिया। अब आप यीशु को छुए, अपने हाथों को और ऊंचा उठाए, टच द हेवन टुनाइट, सामर्थ उतर रही है। तूने मुझे है छू लिया, तूने मुझे है छू लिया। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सबसे पहले तो मुझे और मेरे घराने को चुनने के लिए, उसके बाद हमें कठिन परिस्थितियों में संभाल कर एक फलवंत भूमि तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जब से मसीही बने हैं, हम जब से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारा परिवार बहुत अभिषिक्त था। हमने सोचा नहीं था कि हमें बैप्टिज्म के पहले पवित्र आत्मा मिलेगा। हमारे घर में ऐसे 3 लोग थे जो जीवित परमेश्वर की आवाज़ को सीधे सीधे सुन सकते थे, उसमें मैं, मेरी भाभी और मेरी मम्मी थी। हम आने वाली घटनाओं को देख सकते थे क्योंकि परमेश्वर ने हमें कई दान वरदानों से भर दिया था, पर हम नए होने की वजह से हम इतना कुछ जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की ओर भागते रहते थे। मैं खुद 5 से 6 घंटे बाइबल पढ़ा करती थी। मुझे प्रभु में आकर आज 2 साल हुए हैं, और 1 साल मेरी, मेरे परिवार की गंभीर परीक्षा हुई जब हम गलत संगति में पड़ गए। हम जानते थे कि हमें अभिषेक इसलिए दिया गया क्योंकि हम सीधे चलते थे, हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते थे, हम उसमें किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करते थे, परंतु गलत संगति धीरे धीरे हमें बिगाड़ते चले गई। गलत संगति की वजह से हमें भी गलत आदतें लग गई, हमारे घर से पूरा अभिषेक चुरा लिया गया, और हम खुद दूसरों की प्रार्थना के लिए मोहताज से हो गए। हम जो जीवित है परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, हम खुद ये जान नहीं पाते थे कि हम ऐसी परिस्थिति में कैसे आ गए। विपत्तियों ने हमें 4 नहीं 8 ओर से घेर लिया था। मेरे हस्बैंड से डिवोर्स होने वाला था, मेरी भाभी के बच्चे को प्रॉब्लम था, उससे डॉक्टर ने कहा था कि वो बचेगी या उसका बच्चा बचेगा। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड मेरी बिल्कुल नहीं सुनते थे, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं देते थे, लेकिन मैंने परमेश्वर के राज्य में, यहाँ इस फलवंत भूमि में मैंने अपने बीज को बोया। क्योंकि जब मैं पिछली मीटिंग में आई थी तो पास्टर रंजीत ने मेरे लिए प्रेयर किए थे और मुझसे दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम दूर हो गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ बीज बोया। मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मैंने वो बीज क्या बोया। मेरे पास बोने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी मेरे पापा ने शादी में मुझे दी हुई नथ, और वो मैंने पूरे विश्वास के साथ में प्रेयर करके इस भूमि में बोई। और आज मेरे पास 10 तोले सोना है, उस गवाही को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 3 महीने पहले मैंने यहाँ बोया था और मुझे वो सब मिला है। मेरे हस्बैंड के ऊपर का जादू टोना टूट चुका है, वो बिल्कुल चंगे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। कर्जे का जो लिफाफा उन्होंने हमें दिया था पिछली मीटिंग में, कर्जा सारा चुक गया है। मेरी भाभी चंगी है, उसकी बच्ची चंगी है, और हमारा परिवार इस फलवंत भूमि में बोने की वजह से आशीषित है। और हमारे ऊपर जितना अभिषेक ले लिया गया था उससे दुगना अभिषेक आ चुका है, और हम हर दान वरदान को फिर से पा चुके हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी से माफ़ी चाहती हूँ, और सबसे पहले तो पास्टर रंजीत का, एक धर्मी व्यक्ति, एक धर्मी दास होने के लिए धन्यवाद करती हूँ पूरे दिल से, धन्यवाद। और स्वतंत्र ग्लोबल मिनिस्ट्री का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you.
प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आपने हमारा कार्यक्रम देखा है और आपको हमारे कार्यक्रम के द्वारा बहुत ही आशीषें मिली हैं। स्क्रीन के नीचे हमारा पता आ रहा है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमें आपके कॉल का इंतज़ार है, आपके पत्र का इंतज़ार है और आपके ईमेल का भी इंतज़ार है। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जय मसीह की। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य तुझ पर आ रही है।